सबसे बड़े संविधान में से एक है और भारत के संविधान ने भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधानविदों और विशेषज्ञों के अनुसार जिस संविधान को अपने देश में लागू किया पिछले 74 वर्षों से, या भारत के अंदर जाति, मत, संप्रदाय, क्षेत्र या अन्य तमाम अवरोधों को पूरी तरह समाप्त करते हुए अपनी कसौटी पर खरा उतरा है। ये भारत के संविधान की ही महानता है कि दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले तमाम देश जो अपने को आज की व्यवस्था के अनुसार सबसे प्रगतिशील मानते हैं, उन देशों ने लंबे समय तक लिंग भेद के आधार पर महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया था। तमाम दबी कुचली परंपराओं को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग किया था, लेकिन भारत दुनिया का वह देश है जिसने संविधान लागू करने के साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया था कि भारत के अंदर लिंग के आधार पर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और भारत के हर वयस्क मतदाता को अपना मताधिकार करने, भारत के अंदर एक सरकार बनाने के लिए पूरा अधिकार दिया। ये भारत के संविधान के कारण भारत का हर नागरिक आज देश की सरकार को बनाने में उसका हिस्सेदार बना हुआ है। हमारा संविधान अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है और इसीलिए उन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अगर इस संविधान हमें अधिकार देता है तो हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हम सबको आग्रही बनाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों का इसी बात के लिए आह्वान किया है कि जब ये देश 2022 में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो उस अमृत महोत्सव वर्ष में उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था कि आगामी 25 वर्ष के एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। इन 25 वर्षों में हम कैसा भारत चाहते हैं, यह हम सबके संकल्प को जमीनी धरातल पर उतारने के इन 25 वर्षों में अगर हम सब अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो 2047 आने पर भारत दुनिया के एक विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा होगा, जहां पर हर भारतवासी न केवल अपने देश और अपनी प्राचीन विरासत पर गौरव की अनुभूति कर पाएगा बल्कि वह अपनी वर्तमान को सुखद और सुंदर बनाने के साथ ही अपने भविष्य को भी उतना ही उज्जवल बनाने के प्रति पूरी तरह आह्वानित होगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जो संकल्प था, आज यह वर्ष देश की संविधान को लागू करने का अमृत महोत्सव है। इस अमृत महोत्सव वर्ष पर जब देश का संविधान लागू हुआ था, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि संविधान हमारा सर्वोपरि है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।